इकट्ठा किया है। साल के अंतिम रविवार में हम लोग आ चुके हैं। साल का अंतिम रविवार है, दिसंबर का अंतिम रविवार है, और ये रविवार धन्यवाद का पर्व कहलाएगा। ये साल का आखिरी रविवार धन्यवाद का दिन होगा। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर का गुणानुवाद करें, परमेश्वर की महिमा करेंगे हम लोग। इस समय एक धन्यवाद का गीत हम लोग गाएंगे और उसके पश्चात हम धन्यवाद देने के लिए प्रभु में आगे बढ़ेंगे। स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया, तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला, मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। बात के साथ स्तुति गाऊंगा मैं यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति तुझे पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति स्तुति
सचमुच कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद हमें हमारे परमेश्वर को देना है, जो सचमुच धन्यवाद के योग्य और महिमा के योग्य परमेश्वर है। मेरे प्यारो, आज की सुबह हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए यहां पर आज इकट्ठा है, क्योंकि आज साल का अंतिम रविवार, आज इस दिसंबर महीने का अंतिम रविवार है। बस थोड़ा ही समय बचा है कि उसके बाद हम 2018 से निकलकर 2019 में प्रवेश करेंगे और प्रभु को धन्यवाद करेंगे। मेरे प्यारो, ये समय है कि हम एक नजर उठा के, एक झलक हम पीछे की ओर झांक के देखें कि जनवरी महीने से लेकर अब तक इन 12 महीनों में परमेश्वर ने हमें किस प्रकार से संभाला है, किस प्रकार से हमें आशीषित किया है, किस प्रकार से हमारी तमाम जरूरतें परमेश्वर ने पूर्ण किया है। आइए मेरे साथ एक वचन निकालेंगे और वचन के साथ हम जानेंगे कि हमें किस प्रकार और कैसे हमें हमारे परमेश्वर को आज धन्यवाद देना चाहिए। भजन संहिता हम निकालेंगे, भजन संहिता 139 अध्याय 139, साम चैप्टर 139 वर्स 14, 14 वचन पढ़िएगा, 139 का 14 वचन। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, वचन कहता है। अगर आप 139 अध्याय को ध्यान पूर्वक यदि आप समझोगे, उसके ऊपर की आयतों को समझेंगे, तो भजनकार ऐसा कहता है कि ये जो काम प्रभु ने मेरे जीवन में किए उन्हें समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मेरे लिए बहुत कठिन है। तब वो कहता है कि मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इन कामों के लिए, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं, मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं, तेरे काम तो आश्चर्य के है और मैं इसे भली भांति जानता हूं। भजनकार कहता है कि मैं तेरा धन्यवाद इसलिए करता हूं कि मैं भयानक रूप से और अद्भुत रीति से रचा गया हूं, अद्भुत 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 रीति से रचा गया हूं, है ना, और तेरे काम आश्चर्य के हैं जिन्हें मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। क्या आप जानते हैं कि आपकी और मेरी रचना परमेश्वर ने कितने अद्भुत तरीके से किया है? हम कभी एकांत में बैठे और अपने आप पे ध्यान दे, अपने शरीर पे हम ध्यान दे के देखे, तो समझ में आएगा कि मेरी रचना सचमुच परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत तरीके से किया है। ये आंखें यहीं पर क्यों दिया आपके चेहरे के ऊपरी भाग में? कैसा लगता अगर ये आंखें निकाल के घुटनों में होती, कितना अच्छा होता ना, कि रास्ते के कंकर पत्थर आसानी से दिख जाते थे, जल्दी से चश्मा लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। काश ऐसा होता, ये मुंह यहां की जगह अगर उठा के सीधा पेट के बीचों बीच लगाया होता तो खाना खाना कितना आसान होता है। मैं सोचता कभी कभी ऐसा, प्रभु ये मुंह उठा के इधर ही डायरेक्ट लगाया होता तो खाना खाना कितना आसान होता। यहां से खाना लो, फिर खाना अलग अलग नलियों से गुजर के पेट तक आएगा, तो पेट में ही डायरेक्ट एक मुंह होता तो आसानी से खाना खिलाया जा सकता था। हमारी कल्पना ऐसी हो सकती है कि ये ऐसा होता तो वैसा होता, वे वैसा होता तो ऐसा होता। मैं बताना चाहता हूं, ऐसा होता तो सब कुछ बर्बाद होता। हम इंसान नहीं, हम एलियंस लगते थे, हम रोबोट लगते थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एलियंस, रोबोट या और कोई जानवर नहीं बनाया, सुंदर इंसान बनाया। आपको देखकर लोग तारीफ करते हैं कि आप बहुत सुंदर दिखते हो, है ना, आपको देखकर तारीफ करते कि आप बहुत जवान लगते हो, आप बहुत सुंदर लगते हो और आप बहुत ही खूबसूरत हो। क्यों है खूबसूरत, क्यों है इतने सुंदर? क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुत ही सुंदर रूप से बनाया है, जहां जिस वस्तु की जरूरत थी उसने वही वस्तु लगा दी। आंखों की जगह एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है, उसे बदला नहीं जा सकता है। मुंह की जगह परफेक्ट है, कान की जगह परफेक्ट है और जितने भी बॉडी में हमारे सारे यंत्र है या फिर जहां पार्ट है वो सब अपनी अपनी जगह परमेश्वर ने अद्भुत रचाया है। हालेलुया। सबोपदेशक की पुस्तक कहते कि मां की कोख में जिस प्रकार हड्डियां बनती वो तू नहीं जानता, उस प्रकार तू परमेश्वर के किसी भी काम को नहीं जानता। हम कितने अद्भुत है, कितना अद्भुत रूप से प्रभु ने रचाया हमें।
भजनकार दाऊद कहता है कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं, इसलिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। कभी आपने अपनी ही शक्ल देख के परमेश्वर को धन्यवाद दिया है? थैंक यू लॉर्ड, आज मैं कितना सुंदर लग रहा हूं। धन्यवाद प्रभु, आज मैं कितना अच्छा लग रहा हूं, कितना अच्छी लग रही हूं। ये आपकी दया है प्रभु, आपने मुझे इतना बेहतर और सुंदर बनाया है। दूसरी लाइन उसी कहती है कि तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। प्रभु के जो काम है वो बहुत ही अद्भुत और आश्चर्य के कार्य है, और दाऊद कहता है मैं इसे बहुत ही अच्छे से जानता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर के काम को व्यक्तिगत रूप से जानता है वही परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता है। Praise the Lord। क्या कहा मैंने? जो परमेश्वर के काम को व्यक्तिगत रूप से जानता है, व्यक्तिगत रूप से पर्सनल जानता है कि प्रभु मेरे लिए कितना अच्छा है, आपने अनुभव किया है, महसूस किया है उन कामों को, जानता है वही व्यक्ति परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता है। मार्ग में प्रभु यीशु मसीह को 10 कोड़ी मिले और प्रभु यीशु मसीह ने उन कोड़ियों की ओर देखा, कोड़ियों ने कहा कि प्रभु हमें चंगा कर दो, कर दीजिए आप, और प्रभु ने कहा ठीक है आप चंगे हो जाएंगे, चले जाओ। क्योंकि उन दिनों कोड़ियों को गांव से बाहर उनके लिए अलग से एक एरिया बनाया जाता था और कोड़ियों को वहां रखा जाता था, तो वे कोड़ी अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने लोगों से अलग रहते थे। मान के चलो उनको मरने के लिए छोड़ दिया, उनका कोई इलाज नहीं हो रहा है ना, और वे इंतजार कर रहे। अचानक प्रभु यीशु मसीह उनको मिलते और कहते चंगा कीजिए। प्रभु कहते बिल्कुल आप चंगे हो जाएंगे, चले जाओ यहां से, निकलो अपने घर की ओर लौटो और याजकों को जाके दिखाओ, याजकों को जाके दिखाओ कि याजक लोग आपको चेक करेंगे कि आप बराबर ठीक हुए, चंगे हुए कि नहीं हुए, आपको गांव में रखने लायक आप है या नहीं है, याजक लोग चेक करेंगे। और वे 10 के 10 चल पड़े और प्रभु यीशु अपने काम में लग गए। उन 10 में से कितने लोग भाग कर आए? एक लौट कर आया। कहां जाने के लिए बोला था? उनको बोला याजकों को जाके दिखाओ, याजकों को जाके समझाओ कि आप चंगे हुए कि नहीं। वो याजक के पास नहीं गया, वो वापस आया जहां से उसने यात्रा शुरू किया था, जहां उसको यीशु मसीह मिला था, वहां यीशु के पास वापस आया और यीशु को बोलने लगा। प्रभु उसके पांव पे, कदमों पे गिर गया और कहता प्रभु यीशु आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे कोढ़ को, कुष्ठ रोग को प्रभु आपने चंगा कर दिया। यीशु ने पूछा वो 10 के 10 जो बाकी बचे हुए 9 है क्या वे ठीक नहीं हुए? हां वो भी ठीक हो गए, पर वो कहां गए? वो धन्यवाद देने नहीं आए, वे याजकों के पास गए। याजकों ने कह दिया अरे तुम तो ठीक ठाक हो गए, सीधा दौड़ के भागे होंगे अपने परिवार में, अपने बच्चों के पास, अपनी बीवी के पास, अपने घर वालों के पास, अपने खेती में गए, कोई अपनी दुकान में जाके देखा होगा बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा, कोई अपने घर में देखा, खेत में गया होगा खेत बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा, काम बराबर चल रहा है कि नहीं, सब कामों में चले गए। पर शायद उनको याद नहीं आया कि मुझे लौट कर मुझे परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, मैं तो मृत्यु के देश में पड़ा था, मृत्यु का इंतजार कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने मृत्यु के बीच में मेरे अंदर जीवन फूंक डाला और मैं जीवित हो गया, मैं आज अच्छा जी पा रहा हूं। पर वो जो एक था, इसलिए बाइबल कहती है बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। थोड़े ही लोग जानते हैं खुदा के उपकारों को, थोड़े ही लोग जानते हैं परमेश्वर के एहसानों को। उस कोढ़ी जो चंगा हो गया था, उसने लगा कि यीशु से बेहतर कोई याजक नहीं होगा मेरे लिए। उसने कहा याजक को दिखाओ, तो उस याजक के पास, मंदिर के याजक के पास जाने की बजाय वो उस याजक के पास आया। उन याजकों ने तो उनको भगा दिया था क्योंकि यहां आप रह नहीं सकते हो, क्योंकि आप कोढ़ी हो और आपका रोग दूसरों को लग सकता है, लेकिन इस याजक ने मेरे कोढ़ के दौरान मेरे पास आया और मुझे चंगा कर दिया। सो मुझे इससे बड़ा कोई महायाजक नहीं दिखता है। वो उसके कदमों पर गिर पड़ता है, कहता है प्रभु जी आपको कोटि कोटि प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु आपका धन्यवाद। मेरे प्यारो, जो व्यक्ति परमेश्वर के कामों को व्यक्तिगत रूप से जानता है, पर्सनल जानता है, आपने अनुभव किया है, आपने महसूस किया है उन तकलीफों के पीछे आपका अकेलापन, उन तकलीफों के, उन 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 यातनाओं के पीछे, जो आपकी समस्याओं के पीछे, जो आपका दर्द या आपकी पीड़ा थी, उनको और कोई नहीं जानता है, उनको और कोई नहीं जानता है, उनको केवल आप जानते हो। आपने कैसा कैसा समय निकाला, आप जानते हो उस समय के दौरान आपने कितनी बार प्रभु के अनुग्रह के हाथ को आपने अपने ऊपर देखा, प्रभु की दया को देखा,
कि प्रभु कितना विश्वास योग्य है कि उसने मुझे छोड़ा नहीं, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, उसने मुझे अनाथ नहीं छोड़ा। आपने उस हर बार उस बात को महसूस किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो जो व्यक्तिगत रूप से जानता है मैं किस दशा में था, आज आप पिछले 12 महीने को याद कीजिए। जनवरी में क्या हुआ था आपके साथ, फरवरी में क्या हुआ था, मार्च में क्या हुआ था, अप्रैल में क्या हुआ था, एक एक महीनों को जान के देखिएगा। हो सकता है आपने बहुत कुछ खोया इस वर्ष और आपने बहुत कुछ पाया भी होगा। प्रेज द लॉर्ड। खोने के पीछे विलाप मत कीजिए, क्योंकि जो हमारे जीवन में होता है, बाइबल कहती है कि चुने हुए या विश्वासियों के जीवन में जो कुछ होता है वो भलाई को निर्माण करता है। जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलते हैं ना, उनके लाइफ में जो जो होता है, भले ही हमारी नजर से वो खराब दिखे या ठीक ना दिखे, ये मेरे लिए ठीक नहीं हुआ, मेरा नुकसान हो गया, मैंने बहुत कुछ खो दिया, मत चिंता करो, ये प्रभु के समक्ष हुआ, परमेश्वर ने देखा, कोई वांदा नहीं, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी भलाई छुपी होती है और परमेश्वर अपने समय पर उस बात को प्रकट करता है, तो उसमें भी भलाई है। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु को धन्यवाद दे, चाहे आपने खोया हो, चाहे आपने पाया हो, चाहे दुख का समय निकाला हो, चाहे आनंद का समय निकाला हो, उन तमाम समयों के लिए अपने परमेश्वर को आज आप धन्यवाद दे, क्योंकि आपने जाना है सचमुच मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरी परिस्थिति, मेरा व्यक्तिगत जीवन, मेरा बाहरी जीवन कितना अलग दिशा में चल रहा था और प्रभु ने कितने एहसान मेरे ऊपर किए, और यह धन्यवाद देने का। इस दाऊद कहता है कि मैं तेरा धन्यवाद इसलिए करता हूं कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं, और तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं, बराबर जानता हूं। क्या आज की सुबह ऐसे कोई है जो परमेश्वर के कामों को भली भांति जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं प्रभु ने काम किया है मेरे जीवन में? दूसरे लोग धन्यवाद की भीड़ लगा रहे हैं, उनके बीच में खड़े होकर नारे लगाना आसान, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आपको क्या मिला है यह प्रभु के सामने प्रकट करना कई बार यह बहुत कठिन हो जाता है। आप समूह में बहुत अच्छी प्रार्थना कर सकते हो, एकांत में आपको शब्द ही नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि क्योंकि क्या कौन से एहसान मेरे जीवन पर है कि वो आपको शब्द नहीं मिल रहे प्रार्थना के लिए? हजार लोगों के बीच में बहुत अच्छी प्रार्थना करते हो, अकेले में प्रार्थना नहीं कर सकते हो, सबके सामने बहुत अच्छी गवाहियां दे सकते हो, लेकिन व्यक्तिगत रूप में हमारी कोई गवाही नहीं होती है। हम अकेलापन महसूस करते हैं, अधूरापन महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं हम अधूरे हैं परमेश्वर को मिलने में, परमेश्वर को चाहने में और परमेश्वर को समझने में। दाऊद कहता मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, मैं भली भांति जानता हूं तेरे आश्चर्य के कामों को, सचमुच तू अद्भुत है, और इसलिए वह धन्यवाद देने के लिए खड़ा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। उसने अपने जीवनों में धन्यवाद की कई सभाएं किए, उसने अपने जीवन में हर बार परमेश्वर का धन्यवाद किया, परमेश्वर परिस्थिति को बिना देखे, परमेश्वर परिस्थिति के विपरीत खड़ा होकर उसने परमेश्वर को हर हालात में परमेश्वर को दाऊद ने धन्यवाद दिया। वो हमें सिखाता है कि हमें उसको धन्यवाद देना चाहिए। पता है धन्यवाद क्यों देना चाहिए? आज हमें धन्यवाद क्यों देना चाहिए? क्योंकि एक ऐसा भी समय आएगा कि हम मर जाएंगे। इस दुनिया को, इस देश को, इस भूमि को हम छोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे, और हम सोचते हैं कि कल मैं धन्यवाद के लिए बैठूंगा, कल मैं दुआ के लिए बैठूंगा, कल मैं आराधना के लिए बैठूंगा, कल। मैं आपको बताना चाहता हूं ये कल अपने जीवन में, हमारे जीवन में कभी भी नहीं आता है, कल कभी भी नहीं आता है। हम हमेशा सोचते हैं चलो इस महीना मुझे कुछ भी समय नहीं मिला, पलट कर देखो 12 महीने बीत गए, 12 महीने में हर महीना हमने कोशिश किया होगा इस बार तो पक्का अच्छे से बाइबल पढ़ के रहूंगा, जनवरी महीने में कुछ भी हो जाए बाइबल पढ़ के रहूंगा, फरवरी में सोचा कि बहुत बेहतर रूप से मैं ढंग से प्रार्थना की लिस्ट तैयार करूंगा और विभिन्न चीजों के लिए प्रार्थना करूंगा, उस दिन नहीं हो पाया, अगले दिन और भी नहीं हो पाया, उसके अगले दिन और भी नहीं हो पाया, नया महीना नई चुनौतियां और जो योजना कल्पना की थी वो नहीं हो पाई पूरी, क्योंकि हमने उसको कल पे टाल दिया था। ये अगले हफ्ते से बाइबिल तो पढ़ूंगा, कल से मैं प्रार्थना करूंगा, परसों से मैं यहोवा के भवन जाऊंगा, मैं आराधना स्तुति की भेंटें चढ़ाऊंगा। आपने कल 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 करते 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 हफ्ते दर हफ्ते बीतते गए, महीने दर महीने बीतते गए, और आज साल के अंतिम अंतिम महीने में, अंतिम दिन में आके खड़े हो गए और कह रहे हैं, पलट के देख रहा हूं,
मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। और ऐसे हमारे हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए। मैं बताना चाहता हूं कईयों के जीवन में यही सोचते सोचते कई साल निकल गए, बीत गए वो साल। आप जो काम आज करने वाले थे वो 10 साल पहले और भी अच्छे से कर सकते थे, पर हमने उसको कल पे ढकेला, कल पे टाला, बाद में टाला कि बाद में करूंगा, तब करूंगा, बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, और चलता गया। एक समय ऐसा आएगा हम मृत्यु शैया पर पड़े रहेंगे, मरने की कगार पर पड़े रहेंगे, हम अपनी देह के छुटकारे की बात जोहेंगे, हम विपत्ति से या तकलीफों से पीड़ाओं से बचने की बात करेंगे, तब हमारे पास समय नहीं रहेगा। इसलिए वो कल वाला दिन के इंतजार मत कीजिए, कल मैं जाके परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा। मैं बताना चाहता हूं वो दिन आज है और आज परमेश्वर को धन्यवाद करें। थोड़ा पढ़िएगा मेरे साथ में भजन संहिता अध्याय 6, भजन संहिता अध्याय 6 वचन 5 पढ़िएगा, 6 का 5। क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, हाँ। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। मृत्यु के बाद प्रभु जी आपका स्मरण नहीं होता, मरने के बाद सब भूल जाते हैं लोग, मरने के बाद छोड़े लोग मरने के कगार पे आते ना तब भी कुछ याद नहीं रहता उनको। कई लोग बूढ़े हो गए वो सब भूल गए, उनका दिमाग चकरा गया, बोले बॉडी में सोडियम कम हो गया, किसी की बॉडी में शुगर ज्यादा बढ़ गया, सो कुछ याद नहीं रहता है, बिस्तर में पड़े हुए कुछ स्मरण नहीं आता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए कैसे काम किए, है ना। क्यों उस दिन का इंतजार करते हो? आज वो समय है, आज वो घड़ी है। मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता है और अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा, उस गड्ढे में कौन तेरा धन्यवाद करेगा प्रभु। इसका अर्थ यह है कि हमें कल नहीं, कल नहीं, बाद में नहीं, हमें अभी और आज परमेश्वर को हमने धन्यवाद देने के लिए तैयार होना चाहिए, धन्यवाद के लिए हमने आज इकट्ठा हो जाना चाहिए। Praise the Lord। एक और वचन 30, भजन संहिता 30 अध्याय 30 और वचन 9, भजन संहिता अध्याय 30 और वचन 9 पढ़िएगा। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, सुनिए भजनकार कहता है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मैं कुछ काम का व्यक्ति रहूंगा उस समय? मेरे रक्त से कुछ काम, कुछ काम हो सकता है, किसी के फायदे में आ सकता है मेरा रक्त? कुछ भी नहीं। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? मैं तो कब्र में जाने के बाद मिट्टी बन जाऊंगा, तो क्या ये मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? आगे, क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है, तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? और जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरे लहू से क्या लाभ होगा। इसका मतलब यह है मेरे प्यारो कि जब हम एक दिन हम समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर पाएंगे। कल करे सो आज और आज करे सो अब और अब करे सो अभी के अभी। हालेलुया। सो हम धन्यवाद करना ना भूले। मरने के बाद हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कर सकते हैं। हम छोटे बच्चों के गीत सिखाते हैं, अंडे से निकला कौवा बच्चा, काव काव काव, है ना। पानी पिया ऊपर देखा, किसे मैं कहूं किसे मैं बोलूं। उसने यीशु को देखा धन्यवाद के साथ। वो अंडे से बाहर निकला है, अभी अभी पैदा हुआ है, पानी पिया है और सोचता है कि इतनी सुंदर दुनिया है, मैं किसे धन्यवाद दूं, इस दुनिया में मुझे किसने लाया है। और वह कौवा परमेश्वर को धन्यवाद देता है, वह कौवा परमेश्वर को धन्यवाद देता है, प्रभु तूने मुझे इस दुनिया में लाया है। क्या आप और मैं हर दिन हर स्थिति के लिए हर हालात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हो? हमने देना चाहिए। कल करूंगे सोचते, बाद में करूंगा सोचते हैं, परसों करूंगा सोचते। मैं बताना चाहता हूं जीवन में धन्यवाद का कल कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। इसलिए दुआ धन्यवाद से शुरुआत कीजिए, अपना सुबह धन्यवाद से शुरुआत कीजिए, अपने काम धन्यवाद से शुरुआत कीजिए, जो कुछ हुआ उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। चाहे आपका नजरिया उसको नुकसान कहता है, आपका नजरिया उसको अच्छा नहीं बोलता है, कोई वांदा नहीं, तब भी परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो, उस धन्यवाद में बहुत ही सुंदर आशीष, बहुत ही सुंदर राज, रहस्य परमेश्वर के छुपे हुए होते हैं। प्रेज द लॉर्ड।
इसलिए मेरे प्यारों हर हालत में परमेश्वर को धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देना चाहिए। क्या है धन्यवाद का विषय? धन्यवाद का कुछ विषय तो होना चाहिए। क्या यू ही धन्यवाद धन्यवाद बोलते रहोगे? आप रास्ते में चल रहे हो और हर आदमी बोलते हो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे कैसे कहेंगे हम धन्यवाद? कुछ तो विषय होना चाहिए धन्यवाद का। लेकिन विश्वासियों के जीवन में यदि उनका संपर्क परमेश्वर के साथ है, वे परमेश्वर को ढंग से जानते हैं, तो उनके पास धन्यवाद का विषय भी रहेगा। पढ़े भजन संहिता 30 अध्याय में रहेंगे हम लोग, और उसका पढ़ लीजिएगा 11 और 12, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, धन्यवाद का विषय आपको मिलेगा। पढ़िए, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने प्रभु, सुनिए धन्यवाद का विषय बता रहा आपको, तूने प्रभु मेरे विलाप को, मेरे दुख को नृत्य में आनंद में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। तूने क्या किया प्रभु? मेरा टाट उतरवा कर, टाट कब पहनते थे? जब उनको विलाप करना होता था, जब उनको शोक करना होता था, जब उनको उपवास करना होता था, तब वे टाट पहनते थे। भजनकार कहता है तूने मेरा टाट उतरवा कर, टाट बोलने से एक मोटे कपड़े का बोरे समान वस्त्र होता था, वो विलाप के लिए पहना जाता था। तो टाट उतरवा कर मेरे कमर में तूने क्या बांधा प्रभु? आनंद का पटुका बांधा है प्रभु, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला है। आगे पढ़िए, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे। तूने ऐसा क्यों किया प्रभु? ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। आमेन, कभी चुप ना हो, कभी चुप ना हो। आगे, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हाँ? मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। मैं सर्वदा हमेशा हमेशा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। परमेश्वर के लोगों, क्या आपको याद है परमेश्वर ने कौन से विलाप को आपके जीवन से निकालकर उसको आनंद में बदल डाला है? विलाप को मैं बताना चाहता आपको, जो लोग प्रभु को प्यार नहीं करते हैं, स्वार्थी होते हैं वो लोग, वो परमेश्वर के पास केवल चंगाइयों के लिए आते हैं, कुछ कामों के लिए आते हैं, कुछ फायदे के लिए आते हैं परमेश्वर के पास, वे परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए नहीं होते हैं, परमेश्वर के उपकारों को याद करने के लिए नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। और ऐसे लोग परमेश्वर को उनको या उन लोगों को परमेश्वर से अलग हो जाना उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि उनका मन धन्यवाद से भरा नहीं है और उनको उनका विलाप भी याद नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया, उनको उनका विलाप भी याद नहीं होता है कि मैं कैसा था। कभी कभी हमारे कुछ लोगों से नहीं बनती है, कुछ नहीं पटती है, कलीसिया के लोग भी हो सकते हैं, कलीसिया के बाहर भी हो सकते हैं, अगुवे भी हो सकते हैं, और कुछ बातें आपको ठीक नहीं लगती है और आप अचानक से परमेश्वर से अलग हो जाते हो, परमेश्वर से दूर हो जाते हो। क्या सोचकर दूर होते हो? कि मुझे उस व्यक्ति से फायदा नहीं हुआ, उस व्यक्ति ने मेरा नुकसान किया, उसने मेरा बेइज्जती किया, मेरा अपमान किया। लेकिन आप ये सब के चक्कर के पीछे एक बात भूल जाते हो कि जब मैं प्रभु के पास आया था तो मैं कौन से विलाप के साथ आया था और कैसे प्रभु ने उस विलाप को दूर किया, और उस विलाप के दूर करने के आगे ये जो बातें कुछ भी नहीं है, मैं तुच्छ हूं, मैं तुच्छ हूं। जब आपके अंदर ये भावना निर्माण रहेगी, मैं तुच्छ हूं, मैं तुच्छ हूं, तब मैं आपको बताना चाहता हूं, तब आप परमेश्वर के नजदीकता में आओगे। जब आप ये महसूस करोगे मैं तुच्छ हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैंने बीच में कहानी पढ़ी थी, एक बहुत ही खराब आदमी, पापी आदमी एक आत्मिक व्यक्ति के पास, एक भले आदमी के पास आता है, एक बड़े विद्वान के पास आता है, कहता है मैं तो बहुत बड़ा पापी व्यक्ति हूँ स्वामी, आप मुझे कुछ उपदेश दीजिए क्योंकि मैं बहुत पापी हूँ। तो उस विद्वान ने, उस धर्मी व्यक्ति ने ऐसा कहा कि एक काम कर, तू चला जा और तुझसे जो बुरा होगा, तुझसे जो बड़ा पापी हो, कोई तुझे दिखता है तुझसे बड़ा पापी व्यक्ति या कुछ भी वस्तु दिखती है उसको मेरे पास लेकर आ, तब मैं कुछ करूंगा तेरे बारे में, तू जा अभी यहां से। और वो चला गया और जाकर देखता है, इधर उधर ताकता है कि कोई तो मुझे दिख नहीं रहा यहां पे। जब सामने गए उसने, उसके पांव के पास गोबर पड़ा दिखा, वो गोबर को ध्यान से देखता है और सोचता है मैं तो गोबर से भी बदतर हूं, मैं गोबर से भी गया बीता हूं, गोबर भी कम से कम मकानों को लिपने के काम आते हैं, जलाने के काम आते हैं, मैं तो किसी काम का नहीं हूं, मैं तो गोबर से बदतर हूं। थोड़ा आगे जाता है, उसे बहती हुई गंदी नाली दिखती है, गंदे नाली का पानी देखकर उसे बदबू आती है, सोचता लेकिन मैं तो इस नाली से भी बदतर हूं,
क्योंकि ये नाली भी कुछ पेड़ पौधों को उगा डालती है और कई जानवरों की प्यास भी बुझा डालती है, पर मैं तो उससे बदतर हूं। ऐसा वो ढूंढता गया पत्थरों में, लकड़ियों में, इसमें उसमें, उसे कोई नहीं मिला। वापस आया उस व्यक्ति के पास, विद्वान के पास, और कहने लगा कि मैंने मुझसे बड़ा पापी कोई देखा ही नहीं, सब मुझसे अच्छे लगे। उसका ये भोलापन, नॉट भोलापन, ये सीधापन, ये सच्चाई उसके अंदर जो थी, ये देखकर उस विद्वान ने उस पापी व्यक्ति को अपना शिष्य बना डाला। ये बात हमें आत्मिक दृष्टिकोण में सिखा रही मेरे प्यारों। यदि आप महसूस करते हो मैं तो बहुत ही घटिया इंसान था, तुच्छ व्यक्ति हूं मैं, मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं है, वो नौ भागे कोड़ी ये सोचकर कि मेरे अंदर अच्छा, मैं तो अच्छा हो गया हूं, चलो अपनी बीवी के पास गया हूंगा, चलो आज तो पार्टी मनाने चलेंगे, दोपहर का पिक्चर देखने चलेंगे, आज बच्चों को बोला तुमको घुमाने ले जाऊंगा, क्योंकि उनको लगा कि मैं बहुत अच्छा हो गया हूं। एक ही था जिसको यह लगा कि मैं इतना भी अच्छा नहीं हूं, मैं तो पापी हूं, जिसने मेरे पाप क्षमा कर दिए हैं वो बहुत बड़ा है, वो बहुत महान है। हालेलुया। सो जो ये महसूसीकरण हमारे जीवन में होता है कि मैं अपराधी हूं, मैं तुच्छ हूं, मैं बहुत ही घटिया आदमी हूं, यह बोलना बहुत मुश्किल है मेरे प्यारों। बाइबल कहती तुम निकम्मे हो, और अपने आप को निकम्मा बोलना आज हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन जो सच्चा विश्वासी है वह अपने आप को बोलेगा मैं तो कुछ भी, मैं तो बहुत ही निकम्मा हूं, बहुत निकम्मा हूं मैं, बहुत खराब सा व्यक्ति हूं मैं। तो लोग वो बातों को याद रखते नहीं है और परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और दूर होने के बाद आपको बताना चाहता हूं उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। बाइबल साफ बोलती है दुष्टात्मा जब निकल जाती है और जब जगह ढूंढ लेती है साफ सुथरी, तो उसकी हालत 7 गुना खराब कर डालती है, बहुत मुश्किल में आ जाता है। इसलिए याद क्या करना है, हे परमेश्वर तूने मेरे जीवन पे कौन सा एहसान किया है। क्या लिखा है यहां पे, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। आपको आपके विलाप, कौन से विलाप आपको याद है, कौन से विलाप के आप रो रहे थे, आप बैठे थे रे बाप रे अभी कुछ नहीं होने वाला है, अब तो मैं बर्बाद हो गया हूं, मैं रास्ते पर आ गया हूं, मेरे पास मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। विलाप विलाप विलाप, जिस बात में आप रोने वाले थे परमेश्वर ने उसी बात में आपको आनंद करने वाला व्यक्ति बना डाला। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, प्रभु ने आपके विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, मतलब मैं विलाप के तंबू में बैठा हुआ था, तूने मुझे आनंद के तंबू में ले आया। ये धन्यवाद का पर्व आज मना रहे मेरे प्यारों हम लोग, तूने विलाप से निकालकर मुझे आनंद में लाया। मान के चलो आपके घर में कोई शोक हुआ था, कोई मर गया था, और सब रोने वाले आ गए, छाती पीटने वाले आ गए, सब रोने लग गए, ये बेचारा अच्छा था, मर गया मर गया मर गया, सब विलाप 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 चालू है, मर गया मर गया मर गया मर गया। बाइबल में ऐसा ही है, एक विलाप का परिवार, यायर की बेटी मर गई थी और वो विलाप करने बैठे, रोने वाले आ गए, बांसुरी बजाने वाले आ गए, सब आ गए, सब विलाप का घर था वहां पर, सब सबके आंखों में आंसू थे, सबका गला भर आया था, सब टूट चुके थे। एक बहुत ही सुंदर सी लड़की थी, छोटी लड़की थी, बहुत बड़ी बुजुर्ग महिला नहीं थी, लड़की थी, वो मर चुकी थी, परिवार कितना विलाप में था। ईशु आया और लड़की को चंगा किया। क्या हुआ पता है, वहां पे कुछ हो रहा है, वो विलाप करने के लिए जो बैठे हुए थे, जो बैंड वाले आए होंगे, उनको एक ही गाना गाना है, मर गई मर गई मर गई मर गई मर गई मर गई। जब लड़की बाहर आई दरवाजे से बाहर, तो ये जो गाना गा रहे थे, लोगों के आंसू में आंखों में आंसू भरे होंगे और सब रोने लगे, एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे, वो बांसुरी वाले मर गई मर गई मर गई मर गई, जब आंखें फाड़ के देखा अरे ये तो जिंदा हो गई, तो बांसुरी वालों के सुर बदल गए होंगे, वो बोलते मर गई मर गए, अरे नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, पागल हो गए होंगे वो। क्या हुआ था, 1 घंटा पहले विलाप चल रहा था, क्षण भर में विलाप आनंद में बदल गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वे कब्रस्तान जाने वाले थे 1 घंटे के बाद में, पर अब उन्होंने अपने घर में पले हुए बछड़े काट के पार्टी मनाई होगी, मेरी बेटी मर गई थी अब जिंदा हो गई है। ऐसा प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया है,
ऐसा आपके जीवन में काम किया है। वो विलाप को परमेश्वर ने आनंद का पटुका बांध के नृत्य में बदल डाला है। पता है ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि बारहवीं आयत बोलती है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना रहे। पर परमेश्वर हमारे जीवनों में आश्चर्य कर्म इसलिए करता है कि हम कभी भी चुप ना रहे और लगातार हमारी जबान परमेश्वर का धन्यवाद गाती रहे, परमेश्वर का धन्यवाद करती रहे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल बोलती, मैं सर्वदा प्रभु जी आपका धन्यवाद करता रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, धन्यवाद को मरने मत दे। कई लोगों के घर में धन्यवाद मर चुका है, उसका अंतिम क्रिया हो चुकी है धन्यवाद की। बरसों बीत गए होंगे, हमने प्रभु के सामने बैठ के धन्यवाद के भेंटे नहीं चढ़ाए या धन्यवाद नहीं बोला होगा। धन्यवाद मर गया कईयों के परिवार में। एक बार दिया था बोले परमेश्वर को धन्यवाद, क्या क्या जरूरत है बार बार प्रभु को धन्यवाद देने की? उसी चीज, एक ही चीज के लिए बार बार धन्यवाद क्यों दे? वो एक ही चीज इतनी भारी थी, यदि वो खो जाती आपके जीवन में, हो जाती आपके जीवन में, तो आप कहीं के नहीं रहते थे। एक बार पास्टरनी दीदी ने आपसे पूछा था, एक सवाल है ना, कितनों का विलाप दूर हुआ? बहुत कम लोग बता रहे थे, एक भी घटना ने, एक घटना। मरते दम तक उसके बारे में धन्यवाद देना पड़ेगा आपको। अगर वो हो चुकी होती ना, आप कहीं के नहीं रहते। चाहे वो बीमारी को रूप से आती हो, कंगाली के रूप में थी, बदनामी के स्वरूप में थी, और कोई भी स्वरूप में होती, धन्यवाद मर गया। धन्यवाद अब याद भी नहीं आते, अब चेहरे से लगता भी नहीं किसी की, ये भी धन्यवादी व्यक्ति है। आपकी आंखें और आपका चेहरा धन्यवादी बना होना चाहिए परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। जिंदा रखिए धन्यवाद को, मरने मत दीजिए। पढ़िए थोड़ा सा मेरे साथ, नहमाया की पुस्तक में चले गए, पुराने नियम में। नहमाया अध्याय 12, नहमाया अध्याय 12 और वचन 46 पढ़ेंगे, 46। कैसा धन्यवाद को जिंदा रखा गया था। नहमाया के समय में हम पढ़ते हैं कि नहमाया ने अपने कुछ लोगों को, अपने सेवकों को तैयार किया कि वे अलग अलग स्थानों में इकट्ठा हो जाएं, और वे उनका एक ही ड्यूटी थी कि वो बस परमेश्वर को धन्यवाद के नारे और धन्यवाद के भजन गाने वाले हो जाएं। अब ये 46 पढ़े, 12 के 46 में पढ़ेंगे। प्राचीन काल अर्थात दाऊद और आसाप के दिनों में तो गवैयों के प्रधान थे और परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद के गीत गाए जाते थे। प्राचीन काल में दाऊद ने क्या किया था, आसाप के दिनों में क्या हुआ था, दाऊद के दिनों में क्या हुआ था कि लोगों ने गवैये रखे थे, ये गवैयों के प्रधान थे ये लोग, और परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद के गीत गाए जाते थे। इसका मतलब वे निरंतर धन्यवादों को स्मरण करते थे, धन्यवाद को याद करते थे कि परमेश्वर ने जो कार्य किया है, चाहे वह दर महीना हो, दर साल हो, दर हफ्ता हो, वे परमेश्वर को धन्यवाद करते थे। उन्होंने धन्यवाद को मरने नहीं दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, ये वंश के बाद में वो वंश में परमेश्वर को उन्होंने धन्यवाद देना उन्होंने आरंभ रखा, धन्यवाद को मरने नहीं दिया। क्या आपके मेरे घरों में परमेश्वर ने जो आश्चर्य कर्म किया है, क्या उसके धन्यवाद मर चुके हैं, अब उसका स्मरण नहीं होता है? मैं आज भी स्मरण करता हूं, उस दिन मैं वो आंटी के घर में गया था और मैंने उनको बहुत छोटी छोटी बातें बताई हमारे जीवन की, तो बोलते आपको अभी भी याद है? हाँ मुझे अभी भी याद है, जीवन भर याद रखूंगा, और उसके बारे में मुझे प्रचार करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग मुझे कितना भी खराब समझे इस बात को लेकर, लेकिन मैं खुदा के उपकार कैसे भूलू, मैं परमेश्वर के एहसान कैसे भूलू, है ना। स्मरण रखना है, जिंदा रखिए। क्या करना है? परिवारों में उस धन्यवाद को, जो आपका विलाप था, जो आपके जीवन में तकलीफें थी वो प्रभु ने दूर किया था, उसको अपने परिवार के साथ बैठे और चर्चा करें, चर्चा करें। देख ज्यादा घमंड मत कर, एक महीना पहले ऐसा हुआ था प्रभु ने कितना अनुग्रह किया, एक साल पहले ऐसा हुआ था प्रभु ने कितना अनुग्रह किया, 10 साल पहले ऐसा हुआ था प्रभु ने कितना अनुग्रह किया। स्मरण करें, चर्चा करें, अपने दुआओं में स्पेसिफिक तरीके से उन चीजों को बोले, जानबूझ के बोले, ताकि लोगों को याद आए कि किसके लिए धन्यवाद देना दिया जा रहा है। कई बार स्पष्ट रूप से बोलते हैं या भी सिंपल रूप से बोलते हैं हम लोग, प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, क्योंकि आपने हमारे जीवन में अद्भुत काम किए। हो गई प्रार्थना, क्या काम किए परिवार को पता ही नहीं है। वैसे भी हम सबको भुलक्कड़ की आदत है, हम सब भूलने वाले लोग हैं, हमें याद कुछ रहता नहीं है,
हमने एक शब्द बोल दिया, आपने जो कार्य किया उसके लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद, हो गई प्रार्थना, चलो खाना लेकर निकालो, खाना खाएंगे। अच्छा, आपने स्पेसिफिक तरीके से बोला, बच्चों को याद कैसे रहेगा, परिवार को याद कैसे रहेगा, आपके आसपास के क्षेत्रों में याद कैसे रहेगा, तब आपने बोला प्रभु 2001 में प्रभु जी मैं ऐसा ऐसा था, फरवरी के 27 तारीख को मैं ऐसा था, मार्च के प्रभु तीसरे हफ्ते में ये हुआ था प्रभु जी, अप्रैल में पहले वीक में ही ऐसा हुआ था प्रभु जी, और प्रभु वो मेरे हाथ मेरे पास में हालात कुछ भी नहीं थे प्रभु, और मैं उन बातों को याद करता हूँ प्रभु, तूने कैसा मुझे बचा लाला प्रभु, मैं उस घटना के लिए धन्यवाद करता हूँ, मार्च की उस घटना के लिए धन्यवाद करता हूँ, 2 साल पहले की उस घटना के लिए धन्यवाद करता हूँ, ऐसा धन्यवाद दीजिए, सुनने वाले का रिविजन हो जाएगा, हाँ ये हुआ था वो हुआ था, तो मुझे भी उसको याद रखना है, वरना धन्यवाद को, धन्यवाद की आपने अंतिम यात्रा कब की निकाल चुके होंगे आपको पता ही भी नहीं होगा, खत्म हो चुका धन्यवाद, धन्यवाद को जिंदा रखे, परिवारों में बताएं और समय समय पर धन्यवाद की सभा लगाएं। मैं बताना चाहता हूं, धार्मिक मत बनिए, आत्मिक बनिए, धर्म का पालन करने वाले मत बनिए, प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने वाले बनिए। हालेलुया, धन्यवाद की सभा लगाइए, दिखाने की सभा मत लगाइए, बहुत सारे लोग दिखाने की सभा भी करते हैं, धन्यवाद की सभा, और धन्यवाद की सभा में क्लियर क्लियर धन्यवाद देना चाहिए कि ये हुआ था वो हुआ था ये हुआ था, कट टू कट ये धन्यवाद देना चाहिए, ये धन्यवाद, ताकि सुनने वाले 1000 लोग होंगे, उसमें आपके बड़े बड़े लोग भी रहेंगे, उन सबके सामने आपको ये शर्म नहीं लगना चाहिए कि खुदा ने मुझे किस हालत से निकाला है और मैं धन्यवाद देता हूं, ऐसा करके देखिए, उससे परमेश्वर की महिमा मिलेगी, और मैं सच बता रहा हूं, जो आपसे बड़ा होगा, आपसे धनवान होगा, आपको इज्जत भी करता होगा, और यह बात आप उसको पता ही नहीं कि आप किस हालात में थे, किस मुसीबत में थे, किस संकट में थे, एक बार उसके सामने भी परमेश्वर को धन्यवाद देके देख कर लीजिएगा, देख लीजिएगा करके, वो क्या बोलेगा, भाई साहब बहन जी आपकी इज्जत मेरी नजर में और बढ़ गई, आपका चरित्र देख के आप अभी भी धन्यवादी है। हालेलुया, धन्यवाद की सभा लगाइए, हर दिन उसका वर्णन करे, कहीं भूल ना जाना, क्या भूल ना जाना, इसी ही बल्ब लगाना, हाँ कहीं भूल ना जाना, इसलिए हर दिन याद करे प्रभु जी मैं क्या हूं, इसलिए फीलिंग रखिए, वो कौन सी वाली, पापी वाली, मैं तो हुई पापी, मैं था पापी, मेरे तो एक भी अच्छी बात नहीं प्रभु जी, ये फीलिंग रखने वाले धन्यवादी रहते हैं, जिसके फीलिंग भी खत्म हो गई है, यह अनुभव भी खत्म हो गया, उससे बड़ा घमंडी दुनिया में कोई नहीं है, फिर अभिमानी कोई नहीं, प्रभु उसका बराबर सामना करेगा, फिर फीलिंग रखिए, प्रभु मैं तो बहुत ही निर्बल और कमजोर सा व्यक्ति हूं, इसलिए मेरे प्यारों आपके जीवन में, घर में, परिवार में, गलीसिया में जो जो प्रभु ने आश्चर्यकर्म किया, उन धन्यवादों को आप जीवित रखिए, उनको मरने मत दीजिए, प्रेज द लॉर्ड। इतना ही नहीं, उन लोगों को स्मरण रखे जिनके द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, उन लोगों के प्रति भी धन्यवादी बने रहे जिनको परमेश्वर ने आपकी सहायता के लिए भेजा था, क्योंकि उसके बगैर आपका कार्य पूरा होना यह संभव नहीं था, यह संभव नहीं था। कभी कभी लोग सोचते हैं क्या जरूरत है उसको याद रखने की, कब तक याद रखे, क्या जिंदगी भर याद रखेंगे आपको, जिंदगी भर धन्यवाद देंगे आपको, देना पड़ेगा, क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से हुआ, परमेश्वर अगर उसको भेजता नहीं तो आपकी आंखें खुलती नहीं। पौलुस जहां जहां गवाही देता है वहां वहां हनन्या नामक के उस परमेश्वर के जन को बराबर स्मरण रखता है, क्या किया था उसने। दाऊद को भी नातान नबी याद होगा, जब जंगल में भाग गया था सब याद होगा, लेकिन नातान का भी उसको मालूम है, नातान नबी ने क्या किया था, हनन्याह नबी ने क्या किया था, याद है कुछ, पौलुस वर्णन करता है उसका, जब जब गवाही बताता है तो उसका वर्णन करता है, क्या किया था, आंखें खुली थी लेकिन उसके पहले सब समझाया था, क्यों तेरी आंखें बंद हुई है, ऐसा क्यों तेरे साथ में हुआ, किसने मुझे तेरे पास भेजा, वो क्लियर बताया था, तब जाके उसने प्रेयर किया, तब जाके उसकी आंखें खुली। अगर हनन्या ना होता तो मुझे लगता है पौलुस जिंदगी भर अंधा होता है ना, ये तो प्रभु ने भेजा हनन्या को, तू जा और प्रार्थना कर उसके लिए, देखने लगे 3 दिन के बाद में, प्रेज द लॉर्ड, स्मरण रखा उसने,
प्रभु यीशु भी उस महिला के विषय में कहते हैं जिसने इत्र लगाई थी, इत्र डाली थी, बोले ये मेरे मृत्यु की तैयारी कर रही है, और जब जब मेरी मृत्यु का वर्णन होगा इस स्त्री का भी वर्णन होगा। याद रखिए, पर आप यू ही, आपके साथ में यू ही चमत्कार नहीं हुए हैं, खुदा ने भेजा है किसी ना किसी को आपके लिए, दूत बनाकर भेजा है, अपने दूतों को भी उसने भेजा है, उन्हें स्मरण रखिए और उनके प्रति भी धन्यवाद ही बने रहिए, और उनका नाम ले लेकर आप अपने परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि प्रभु सचमुच तूने उस भाई को, उस बहन को मेरे लिए तैयार किया, जिसके द्वारा प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद कर पाऊं। फिलिपियो पहला अध्याय में चलेंगे, फिलिपियो पहला अध्याय और वचन 3, 4 और 5 पढ़िएगा, फिलिपियो का पहले अध्याय का। जब तुम्हें स्मरण करता हूँ, पौलुस कहता है जब वो जेल में है, वो कहता है अपने उन साथियों को, अपने उन लोगों को जो उसने, जिन्होंने उसके संग मदद किया था, सेवकाई की थी, कहता है मैं जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, तब तब मैं तुम्हारे खातिर परमेश्वर का धन्यवाद, जब जब मैं तुम्हारे बारे में याद करता हूँ आगे, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। तुम सबके लिए जब मैं प्रार्थना विनती करता हूँ तो आनंद के साथ मैं विनती करता हूँ, अपने उन साथियों के बारे में पौलुस बात कर रहा है आगे, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। बस है ना, किसके लिए धन्यवाद कर रहा है, किसके लिए धन्यवाद कर रहा है, उन साथियों के लिए जिसमें तिमोथियुस का नाम है और दूसरे अन्य सेवकों का भी नाम है, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि इन लोगों ने सुसमाचार सुनाने में पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक मेरी मदद किया, मैं तुमको याद कर करके धन्यवाद देता हूं, तुम्हारे याद करके मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, जब भी तुम्हारा स्मरण आता है तो तुम्हारे लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर, प्रभु धन्यवाद तूने उसको मेरे साथ जोड़ा। क्या करना चाहिए हमें, उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिनको परमेश्वर ने हमारे लिए इस्तेमाल किया हमें आशीषित करने के लिए, उन्हें स्मरण रखें, उनके प्रति धन्यवादी बने रहे। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप ऐसा करोगे तो मैं आपको बताता हूं आप सचमुच परमेश्वर के स्वभाव में बनोगे, परमेश्वर के स्वभाव में बनोगे, क्योंकि परमेश्वर भी उनको याद रखता है। हालेलुया, परमेश्वर भी उनको याद करता है जिन्होंने परमेश्वर, जिन लोगों ने परमेश्वर के संग भलाई की। हालेलुया, हालेलुया। उसने अब्राहम को देखकर याद रखा कि मुझे अगर 10 धर्मी मिल जाए तो नगर को नहीं जलाना है, याद रखा उसने, क्योंकि अब्राहम को अपना मित्र बोलता था। हालेलुया, याद रखा, याद करके काम किया, मुझे उसके लिए कार्य करना पड़ेगा, स्मरण रखा उसने, अब उसको अपना मित्र बोला, मुझे उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। नूह के संग जो वाचा बांधी थी, नूह को याद करना पड़ा, उसको नूह से प्रेम करता था, नूह को याद करना पड़ा कि जब जब बारिश आएगी, तूफान आएगा, तो बारिश से दुनिया को नाश नहीं करना है, सप्तरंगी धनुष दिखा के अपने आप को प्रभु चिन्ह बनाया कि मैं इसको देख के याद करूंगा कि मैंने मेरे प्रिय दास के संग, नूह के संग वाचा बांधी थी। याद करता है, नूह को याद करता है, अब्राहम को याद करता है, वो मूसा को याद करता है, आज आपको और मुझे भी याद करता होगा अगर आपने सचमुच उसके सामने धार्मिकता से जिए तो। हालेलुया, आपके मेरे जीवन में प्रभु ने जो जो किया, जिन जिन बातों के काम किया, डायरेक्ट नहीं किया, उसने किसी ना किसी को भेजा, और हमें उनको स्मरण रखना है, उनके बारे में धन्यवादी बने रहना है, और उनके बारे में परमेश्वर को आराधना करना है। पर बहुत सारे स्वार्थी ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने, जिनके, उनके जीवन में खुदा ने कई लोग भेजे जिनके द्वारा प्रभु ने चमत्कार धन्यवाद दिया, वे उनको देखकर भी सलाम नहीं बोलते, सपने में भी उनका नाम नहीं लेते, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करते, उनके बारे में कोई वर्णन नहीं करते हैं। जहां खड़े हो जाओ बताना शुरू कर दो कि परमेश्वर ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं और कैसे मेरे लिए प्रभु ने किस किस लोगों को भेजा है। धन्यवाद ना मरने दे और ना धन्यवाद के साथ जुड़े हुए लोगों को मरने दे, उनको जिंदा रखे अपने हृदय में। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद कहता है मैं तो बहुत ही अद्भुत रूप से जन्मा हूं, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करते रहूंगा। कई लोग धन्यवाद में देरी भी लगाते हैं, घटना आज होती है 2 साल के बाद धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, 3 साल के बाद धन्यवाद की सभा लगाते, 4 साल के बाद, अरे भैया आज हुई तो अभी के अभी धन्यवाद, अभी के अभी। आपकी क्षमता जैसे भी हो,
मरियम को, हमने अभी क्रिसमस मनाया, मरियम को जब संतान हुई, यूसुफ मरियम को, उनकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी कि वो भेड़ बकरियों के बच्चे ला सके, इसलिए उन्हें कबूतर के बच्चे लाए, चढ़ाने के कबूतर के बच्चे ही लाए, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, है ना। उन्होंने ऐसा सोचा, पहले पैसा इकट्ठा हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, तो भाई सबको सामने बताना, क्योंकि अपना बच्चा स्पेशल बच्चा है, अपना बच्चा स्पेशल है, दूतों ने आके बताया था, दुनिया भर में फेमस है, तो क्या उसके लिए अपने पास पैसा नहीं है, अपन क्या करते, थोड़ा देर जमा करेंगे पैसा, 8 दिन की बजाय 8 महीने के बाद जाएंगे, भेड़ लेकर जाएंगे, किसको दिखाने जा रहे हो। वो दिखावटी लोग नहीं थे वो, जो मेरे पास है, कबूतर भी नहीं ले पाते ना तो चिड़िया के बच्चे लाते थे, जो क्षमता थी उस क्षमता के आधार पर परमेश्वर के मंदिर में धन्यवाद देने के लिए विधि के अनुसार। आप और मैं, घटना आज हो जाती है, चमत्कार आज हो जाता है, उसका धन्यवाद का पर्व तब करें जब जेब में पैसा आएगा, जब घर बन जाएगा, जब ये हो जाएगा, जब वो हो जाएगा, अरे छोड़िए, परमेश्वर ने आज किया है, आप तब तक शांत कैसे बैठ सकते हो, तब तक शांत कैसे बैठ सकते, तब तक अपने आप को उस घटना में, उस भाव में कैसे रख सकते हो। आओ जैसा है जो है आनंद मना। जिसका सिक्का गुम गया था, जिस स्त्री का सिक्का गुम गया था, उसने जब सिक्का मिला तो ऐसा नहीं बोला, लेटर भेजा, देखो जी आने वाली 3 तारीख को सबको मेरे घर में आना है और खाना खाना है, ऐसा नहीं बोला। ऐसा लिखा है वचन में कि दौड़ कर गई, पड़ोसियों को इकट्ठा किया, आओ 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 आओ, जब तुमको पता क्या क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, अरे मेरा सिक्का गुम गया था और मिल गया था, चलो झूमेंगे नाचेंगे, मेरा सिक्का मिल गया है, वो धन्यवाद देंगे, तब के तब धन्यवाद दिया उसने परमेश्वर को। 3 तारीख नहीं ठहराया, 15 तारीख नहीं ठहराया, अगले साल की, अगले महीने की, क्योंकि वो आते आते कुछ ना कुछ हो जाएगा, पोस्टपोन करना पड़ा। सॉरी आपको इन्फॉर्म करने में हमें बड़ा दुख हो रहा है कि उस दिन की सभा पोस्टपोन कर दी गई है। वारे तुम्हारा धन्यवाद, अभी दो, अभी दो, धन्यवाद में देरी ना करे। पता है एक महिला बाइबल में है जिसने परमेश्वर से वाचा बांधी, जिसने प्रार्थना की, प्रभु अगर मेरी मुझे समान बांच को अगर कोई संतान तू दे देगा प्रभु, ये जो कलंक मेरे ऊपर लगा है ये मिटा देगा प्रभु, तो उस बच्चे को बिल्कुल तेरे हवाले कर दूंगी तेरी सेवा के लिए, मेरी कोई संतान नहीं। वो हन्ना थी, पहला शमूएल में अगर हम पढ़ते उसके बारे में पहले अध्याय में, तो हन्ना थी और रो रो के प्रार्थना कर रही है और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। ऐसा लिखा है कि जब उस लड़के ने दूध पीना छोड़ दिया, बहुत छोटा होगा ना, दूध पीना छोड़ते बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जब दूध पीना छोड़ दिया, माँ का दूध पीना छोड़ दिया, तब उठा के उसको मंदिर मिले। बड़ी थोड़ा सा पहला शमूएल पहला अध्याय 26:27-28। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यही खड़ी होकर प्रार्थना यहोवा से प्रार्थना करती थी। मैं वही औरत हूँ जो तुझसे प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है, और यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। हाँ? और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। हाँ? इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। हाँ? कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। हाँ? तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया, बस छोड़ के चली गई। जब उसने दूध पीना छोड़ दिया था, वो सोचती थी देना तो है, एक बार जवान होने दो, स्कूल पढ़ लेगा मेरा लड़का, स्कूल जाएगा, उसको एक बार इंजीनियरिंग करा दूं उसको मैं एक बार अच्छे से, देना तो है, अरे प्रभु का है ना, अभी मेरे घर में रहे या प्रभु के घर में रहे, है तो प्रभु का ही, फिर शादी तो करा दूं एक बार, वैसे तो कोई संतान तो है नहीं अपने पास में, शादी करा देती हूं, बच्चे हो जाएंगे तो रख लूंगी अपने पास में, फिर इसको दे दूंगी। सोच सकती थी क्योंकि बांझ थी, कोई संतान नहीं थी और कोई उम्मीद नहीं थी आगे, कोई उम्मीद नहीं थी, ये तो प्रभु का अनुग्रह कि उसको और भी बाद में बच्चे हुए। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, बहुत ही छोटा बच्चा, आप उसकी परिस्थिति को समझने का प्रयास कीजिए। एक तो बांझ, इतने दिन बाद बच्चा पैदा होता है और उसको भी परमेश्वर को अर्पण कर देना है धन्यवाद के स्वरूप में, है ना। दूध पीना छोड़ दिया बच्चे ने, वैसे उठा के गोद में चली गई और मंदिर में दान करके आ गई। उसने देरी नहीं किया धन्यवाद करने में।
या और तर्क वितर्क नहीं लगा कि 10 साल के बाद में, थोड़ा बड़ा तो होने दो, समझदार तो होने दो, अपने पांव पे खड़ा तो होने दो, स्कूल तो जाने दो, शादी तो करने, ये सब नाटक नहीं रखा उसने। उसने तुरंत धन्यवाद दिया, आप और मैं हमारे जीवन में प्रभु ने ऐसे ऐसे काम किए हैं, लेकिन हमने पता नहीं कितने देरी लगा दिया परमेश्वर को धन्यवाद देने में। मेरे प्यारो, देर ना करे, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ही देर हो जाए। तुरंत हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। मैं अंतिम बात बताना चाहता हूं, धन्यवाद के लिए बहाने ढूंढे, कुछ भी बहाना ढूंढो धन्यवाद देने का। प्रभु को धन्यवाद का कुछ कारण नहीं मिलता ना, कुछ भी बहाना ढूंढो, कुछ भी बहाना, ताकि आप प्रभु को धन्यवाद दो, क्योंकि वो धन्यवाद में बहुत ही सुख है, वो धन्यवाद में बहुत ही सुकून है, धन्यवाद में परमेश्वर है, वो चाहता है कि मेरे लोग मुझे धन्यवाद दे। इसलिए हम सीखे मेरे प्यारो खाने के लिए धन्यवाद देना, हम सीखे हैं सोने के समय प्रभु को धन्यवाद देना, दिन निकलता है धन्यवाद देना, गाड़ी शुरू कर रहे हैं तो धन्यवाद देना, काम में हाथ लगा रहे हैं तो धन्यवाद देना, चाहे जो कुछ हुआ है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना, नुकसान भी हुआ है तो परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखिएगा। प्रेज द लॉर्ड, है ना। नुकसान भी हुआ तो कई बार आपकी गाड़ी पंचर होगी रास्ते, आप बहुत जल्दबाजी में कहीं चल रहे हो और आपकी गाड़ी पंचर हो गई, ओह आप बोलते इसको यही पंचर होना था क्या, मेरा काम रुक गया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप अपनी गाड़ी पंचर सुधारने के लिए इधर उधर भटक रहे हो, पसीना आ रहा है, परेशान हो गए हो और आप गाड़ी को सुधारने में चले गए हो, वो टाइम धन्यवाद नहीं निकलता है। लेकिन जब कुछ मालूम पड़ेगा तब आप दोगे धन्यवाद, अरे धन्यवाद दो, अच्छा हुआ आपकी गाड़ी पंचर हो गई, आप रुक गए क्योंकि सामने एक्सीडेंट होने वाला था। जब वहां मालूम पड़ता कि वहां इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, आपको लगता है ये मेरा भी हो सकता था, प्रभु आपका धन्यवाद, तूने मेरी गाड़ी को पंचर कर दिया। हालेलुया। बस बहाने ढूंढिए धन्यवाद के बहाने ढूंढिए, उसकी जगह, उस मरे हुए आदमी की जगह मैं हो सकता था, प्रभु तूने मुझे पंचर कर दिया, धन्यवाद। बहाने ढूंढे धन्यवाद के, रोज बहाने ढूंढे, सुबह शुरुआत करें धन्यवाद से, दिन का अंत करे धन्यवाद से, दिन भर में जितने भी घटनाएं आपके साथ होती है, जितना भी मौके मिलते हैं, उन सब मौके में प्रभु का धन्यवाद करे। एक अंतिम वचन पढ़ के समाप्त करेंगे, भजन संहिता 34 और पहली आयत पढ़ेंगे उसकी। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। कितना समय? मैं हर समय, हर हालात में, हर परिस्थिति में मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। बस उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं उसके लिए हर समय अपने परमेश्वर को धन्यवाद करता रहूंगा। इसलिए मेरे प्यारों, हम धन्यवाद से शुरुआत, हमने आज गीत से शुरुआत किया, धन्यवाद का गीत, है ना, ताकि प्रभु ने कितने एहसान हम पर किए हैं। और अब हम प्रार्थना के साथ अंत करेंगे, धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रभु के सामने चले और धन्यवाद करेंगे पूरे वर्ष भरे के लिए, पूरे 12 महीनों के लिए, जो जो हमारे जीवन में उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपको हम धन्यवाद करते, पिता परमेश्वर आप सचमुच महान है। जब प्रभु अपने आप को हम देखते कि हम कितने भयानक और अद्भुत रूप से रचे गए, पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। एक एक कामों को याद करते प्रभु, वो कितने अद्भुत है पिता परमेश्वर आपके, हम उन कामों के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम बीते पिछले साल के लिए, 12 महीनों के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। राजा यीशु, आपने एक एक महीना हमको संभाला, एक एक हफ्ता हमको संभाला प्रभु जी, पिता परमेश्वर आपने एक एक दिन हमको संभाला पिता परमेश्वर। कई बार दुर्घटना में पड़ रहे थे, आपने उसमें से बचा लिया, कंगाल हो चुके थे प्रभु जी और अपने समय पर हमारी जरूरतें पूर्ण किया पिता परमेश्वर। बीमार पड़ गए पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु आपने हमारे बीमारी के बिस्तर को पलट दिया और चंगा कर दिया पिता परमेश्वर। व्याकुल हो गए थे प्रभु, निराश हो गए थे प्रभु, लेकिन आपने हमें हमारे अंदर आनंद को और आशीष को भरा पिता परमेश्वर। प्रभु तूने क्या नहीं किया प्रभु जी हमारे जीवन में, बहुत कुछ किया राजा। एक एक क्षण पिता आपकी वजह से हम जीवित रह पाए पिता परमेश्वर, वरना जिंदा रहना हमारे लिए संभव नहीं है प्रभु जी। कई बार वातावरण के द्वारा, कई
कई लोग मर गए, दुर्घटनाओं में लोग मर गए प्रभु जी, भोजन ना मिलने से मर गए, गर्म की वजह से मर गए, ठंड की वजह से मर गए पिता परमेश्वर, बारिश के कारण कितने घर डूब गए प्रभु जी, लेकिन हे पिता आपने हमको बचाया प्रभु जी। ये केवल आपकी करुणा तो है प्रभु जी, ये आपकी दया तो है प्रभु कि आपने हमको बचा लिया प्रभु जी। हम धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते राजा, आपको जितने भी धन्यवाद दे वे कम ही है पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी आपने काम हमारे जीवन में बड़े महान और अद्भुत किए पिता परमेश्वर। प्रभु आपको हम धन्यवाद करते हैं आपकी दया के लिए पिता परमेश्वर। आगे का सारा समय हमारा जीवन और ये धन्यवाद का भेंट प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमेन।